बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शेरलॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज। ये कहानी शुरू होती है सन 1891 से और इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि शेरलॉक होम्स एडलर का पीछा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि एडलर प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी के लिए काम करती है। हालांकि ये उसकी मजबूरी है क्योंकि अगर वो उसके लिए काम नहीं करेगी तो प्रोफेसर मोरियार्टी जो कि एक बहुत ही खतरनाक इंसान है वो शेरलॉक होम्स को मार देगा। एडलर एक नीलामी में पहुंचती है जहां पर वो डॉक्टर हॉपमैनस्टर से मिलती है और वो उसे एक पार्सल देती है। इसके बदले डॉक्टर उसे एक लेटर देता है और कहता है कि उसे लगता है कि ये लेटर मैंने उसकी बहन तक पहुंचा दिया। प्रोफेसर मोरियार्टी को इसका बेसब्री से इंतजार है और ये कहने के बाद वो उस बॉक्स को खोलता है जो उसे अभी अभी एडलर ने दिया है और जैसे ही वो खोलता है वहां पर शेरलॉक होम्स आ जाता है और वो उस बटन को रोक लेता है जिससे बम फटने वाला होता है। दरअसल इस बॉक्स के अंदर पैसे होने चाहिए थे लेकिन डॉक्टर मोरियार्टी ने इसके अंदर एक बॉम्ब रखा होता है। एडलर वहां से जाने लगती है लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जाती शेरलॉक होम्स उससे वो लेटर ले लेता है और उसे कहता है कि शाम को वो उसे डिनर पर मिलेगा। एडलर वहां से चली जाती है और जब शेरलॉक होम्स उस बॉम्ब को एक बॉक्स के अंदर डालता है तब तक वहां से डॉक्टर भी निकल जाता है। लेकिन जब शेरलॉक होम्स उसका पीछा करते हुए बाहर जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर का किसी ने मर्डर कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ एडलर जब मोरियार्टी से मिलती है और उसे ये बताती है कि वो लेटर शेरलॉक होम्स ने उससे हासिल कर लिया है तो इस बात से मोरियार्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी सेवाएं अब खत्म हो गई हैं। और जब एडलर वहां से जाने लगती है तो वो गिर जाती है क्योंकि उसने जो चाय पी होती है मोरियार्टी ने उसकी चाय में जहर मिला दिया होता है और इस तरह से एडलर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन शेरलॉक होम्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वो उसका रेस्टोरेंट में इंतजार करता है और जब वो नहीं आती तो वापस चला जाता है और घर पर उससे मिलने उसका दोस्त डॉक्टर वॉटसन आता है और वो वॉटसन को बताता है कि ग्लोबली जितनी भी घटनाएं जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं इन सब का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है और ये सब कुछ एक ही आदमी करवा रहा है जिसका नाम है प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी। हालांकि वॉटसन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि इन सारी घटनाओं का आपस में कुछ संबंध है। वो कहता है कि मोरियार्टी अपने मकसद में कामयाब हो इससे पहले हमें उसे रोकना होगा। अगले दिन वॉटसन की शादी होती है इसीलिए ये दोनों बैचलर पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं। हालांकि वहां पर कोई भी इनवाइटेड नहीं होता लेकिन शेरलॉक होम्स का बड़ा भाई वहां पर होता है। वो एक सरकारी महकमे में काम करता है और वो इन्हें ये बताता है कि यूरोप के हाल बहुत नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई होती है। इसी बार में एक लड़की होती है जो टैरो कार्ड देख रही होती है और शेरलॉक होम्स उसके पास जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जिसका लेटर शेरलॉक होम्स को एडलर से मिला होता है। इस लड़की का नाम सिम्जा होता है। शेरलॉक होम्स उसे उसके भाई का लेटर दिखाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे भाई ने इस लेटर को लिखा था। उस लेटर में उसके भाई की फोटो होती है और उसके पीछे लिखा होता है कि तुम्हें मेरा चेहरा याद है, अब तुम इस चेहरे को कभी भी ना देखोगी, मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल चुका है और मुझे ये कीमत चुकानी पड़ेगी। शेरलॉक होम्स उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई का ऐसा कौन सा मकसद था लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती। वो कहती है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है। शेरलॉक होम्स से बताता है कि तुम्हारा जो अगला क्लाइंट है वो यहीं इसी कमरे में छुपा हुआ है जो एक्रोबेट की कला में माहिर है और वहां पर एक आदमी छुपा भी हुआ होता है। शेरलॉक होम्स उसे ऊपर से नीचे उतार देता है। इन दोनों के बीच में काफी हाथापाई होती है लेकिन शेरलॉक होम्स सिम्जा को बचा लेता है। सिम्जा वहां से चली जाती है और शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन की शादी में जाते हैं और शादी के बाद जब शेरलॉक होम्स बाहर आता है तो वहां पर प्रोफेसर मोरियार्टी का एक आदमी आता है। वो कहता है कि प्रोफेसर मोरियार्टी तुमसे मिलना चाहते हैं और पहली बार शेरलॉक होम्स प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी से मिलता है। प्रोफेसर मोरियार्टी शेरलॉक होम्स से पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त की शादी कैसी रही। शेरलॉक होम्स बोलता है कि अब वो इन सब चीजों से बाहर है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर मोरियार्टी शेरलॉक होम्स को उसके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं लेकिन शेरलॉक होम्स ऐसा करने से इनडायरेक्टली मना कर देता है। प्रोफेसर मोरियार्टी उसे एडलर का रुमाल भी देते हैं जिसमें एक खून का क्लॉट होता है और वो कहते हैं कि अब एडलर इस दुनिया में नहीं रही। इस बात से शेरलॉक होम्स को दुख होता है और साथ ही साथ प्रोफेसर मोरियार्टी ये भी बोलते हैं कि मैं नए जोड़े को शादी का तोहफा जरूर भिजवाऊंगा।
वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वॉटसन और उसकी वाइफ मैरी अब हनीमून के लिए जा रहे हैं। वो ट्रेन में होते हैं और वहां पर प्रोफेसर के बहुत सारे आदमी इन दोनों को मारने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर शेरलॉक होम्स भी पहुंच जाता है और वो इन दोनों को बचा लेता है। हालांकि डॉक्टर वॉटसन की वाइफ मैरी को बचाने के लिए शेरलॉक होम्स को उसे चलती ट्रेन से पुल से नीचे पानी में फेंकना पड़ता है। दरअसल ये उसके प्लान का हिस्सा होता है। वहां पर उसका भाई पहले से नाव में इंतजार कर रहा होता है और वो इस तरह से वॉटसन की वाइफ मैरी को बचा लेता है। वहीं शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन सिम्जा से मिलने पहुंचते हैं। सिम्जा वो लड़की है जिसे शेरलॉक होम्स ने बाहर में बचाया था। सिम्जा इनसे पूछती है कि वो कौन लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे। ये उसे बताते हैं कि डॉक्टर मोरियार्टी तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कोई खत लिखा है जिसमें उसने कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है, इसीलिए अब वो किसी भी कीमत पर तुम्हें मारना चाहते हैं। सिम्जा कहते हैं कि मेरे भाई रहने ने मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैं पिछले एक साल से उसे ढूंढ रही हूँ। शेरलॉक होम्स बोलता है कि वो कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। शायद गलती से उसने कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर की होगी क्योंकि जिस आदमी के साथ वो काम करता है उसका नाम है प्रोफेसर मोरियार्टी और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। सिम्जा बोलती है कि उसने मुझे कुछ ड्राइंग्स भेजी थी और वो उन्हें वो ड्राइंग्स दिखाती है और उस पेपर को देखने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि वो पेपर किस प्रिंटिंग प्रेस में बना था क्योंकि सिम्जा भी इसी ग्रुप के लिए पहले काम किया करती थी। ये एक विद्रोहियों का ग्रुप होता है और अब सिम्जा, डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो आदमी होता है जिसकी प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर बना होता है। लेकिन इनका मेन काम होता है बॉम्ब बनाना और कई गैर कानूनी काम करना और ये भी प्रोफेसर मोरियार्टी के लिए अब काम करता है। सिम्जा अपने भाई रेने के बारे में पूछती है। ये आदमी बताता है कि वो यहाँ पर नहीं है, मैंने उसे काफी वक्त से देखा तक नहीं। उसे एक और असाइनमेंट दिया गया है। ये आदमी बताता है कि हमने एक आदमी के साथ समझौता किया जो हमारे संगठन को हमारे मकसद को पूरा करने के लिए हमें पैसे देता था और धीरे धीरे वो हमें डिक्टेट करने लगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो ये भी मांग करता है कि मैं उसकी सारी आतंकवादी गतिविधियों की जिम्मेदारी लूं। मैंने एक शैतान के साथ सौदा किया है लेकिन आज रात को सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। वॉटसन बोलता है कि उसने तुम्हें एक और बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कहा है, हमें बता दो कि वो कहां पर है। वो कहता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते। उनके पास मेरा परिवार है, मेरी पत्नी और बच्चे हैं और हमारे बीच में एक डील हुई थी कि हम कोई भी सबूत नहीं छोड़ेंगे और अब मेरे पास अपने परिवार को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। और ये कहने के बाद वो आदमी अपने आप को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर बाहर जो उसके लोग होते हैं वो अंदर आना शुरू करते हैं और जब वो अंदर आएंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे बॉस को इन्हीं लोगों ने मारा है क्योंकि वहां पर इन तीनों के अलावा कोई और नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक खुफिया रास्ता होता है और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर बॉम्ब बनाने का सामान होता है और वहां पर ओपरा का एक बोट भी होता है और इन्हें लगता है कि बॉम्ब ओपरा में ही है और ये तीनों की तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं और शेरलॉक होम्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके मुताबिक बॉम्ब होना चाहिए लेकिन वहां पर शतरंज का एक मोहरा होता है। दरअसल ये प्रोफेसर मोरियार्टी की पूरी एक चाल होती है और शेरलॉक होम्स समझ जाता है कि उसे धोखा दिया है और तभी वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है और उसे याद आता है कि जब वो उस आदमी से मिलने जा रहे थे जिसने अपने आप को अभी कुछ देर पहले गोली मार ली है तो वहां पर एक बहुत बड़ा केक भी होता है जिसे वो पास ही के होटल में लेकर जा रहे होते हैं और शेरलॉक होम्स समझ जाता है कि बॉम्ब यहां पर नहीं बल्कि उस होटल में है। ये तीनों की तीनों उस तरफ भागते हैं लेकिन इससे पहले कि ये होटल के अंदर तक पहुंचते वहां पर एक बहुत जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस कमरे में जितने भी लोग होते हैं सबके सब मर जाते हैं। ये तीनों के तीनों अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद तहकीकात करने के बाद शेरलॉक होम्स को ये पता चलता है कि ये बॉम्ब सिर्फ एक धोखा था। दरअसल यहां पर ये एक आदमी को मारना चाहते थे जिसे इन्होंने गोली से मार दिया होता है लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए होता है ताकि ये सारा का सारा एक हादसा लगे। और जब शेरलॉक होम्स इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि जिस आदमी को इस बॉम्ब ब्लास्ट से पहले गोली से मार दिया गया था वो आदमी एक आर्म्स की यानी कि हथियारों की फैक्ट्री का मालिक होता है। कुछ वक्त पहले उसकी फैक्ट्री के उसकी कंपनी के किसी आदमी ने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए थे और उसकी मौत के बाद वो आदमी अब उसकी कंपनी का ओनर होगा
और वो आदमी होता है प्रोफेसर मोरियार्टी। और प्रोफेसर मोरियार्टी अब जर्मनी जा रहा है, लेकिन इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, क्योंकि इसमें जर्मनी के बड़े बड़े बिजनेसमैन मारे जा चुके हैं, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये तीनों किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी की उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं जहां पर बड़े बड़े हथियार बनाए जा रहे हैं, और जिस फैक्ट्री का मालिक अब प्रोफेसर मोरियार्टी है। सिम्जा भी इनके साथ जाती है, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सिम्जा का भाई रेने भी वहीं पर है। फैक्ट्री के अंदर सिर्फ शेरलॉक होम्स जाता है, और वो अंदर जाने से पहले डॉक्टर वॉटसन को बोलता है कि यहां से एक टेलीग्राम मेरे भाई को भेज दो। डॉक्टर वॉटसन उस जगह चले जाता है जहां से उसे टेलीग्राम भेजना है, और शेरलॉक होम्स पहुंच जाता है फैक्ट्री के अंदर। वहां वो देखता है कि बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर हथियार होते हैं, लेकिन प्रोफेसर मोरियार्टी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे बेहोश करके प्रोफेसर मोरियार्टी के पास ले जाते हैं। प्रोफेसर मोरियार्टी को पता चल जाता है कि इन्होंने यहां से एक टेलीग्राम भेजा है, और वो शेरलॉक होम्स से पूछता है कि ये टेलीग्राम तुमने किसको भेजा था। शेरलॉक होम्स उसे बोलता है कि तुम बागियों का इस्तेमाल करते हो ताकि यूरोप में टेंशन हो सके, देशों के बीच में आपस में तनाव बढ़ सके। तुमने अपने तेज दिमाग से साजिश करके, हत्याएं करके कई उद्योगों को अपने नाम कर लिया, और अब कॉटन, अफीम, स्टील और बहुत सारे अनेक प्रकार के उद्योग तुम्हारे नाम है, यहाँ तक कि बॉम्ब, जैविक बॉम्ब, हर तरह के हथियार तुम्हारे ही कब्जे में है। एक बैंडेज से लेके बुलेट तक सब कुछ तुम बनाते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और अब तुम इसकी सप्लाई बढ़ाना चाहते हो। एक विश्व युद्ध, अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो तुम्हारे सारे सामानों की सप्लाई पूरे यूरोप में फैल जाएगी। प्रोफेसर मोरियार्टी उसे एक रस्सी में लटका देते हैं और उससे पूछने की बताओ तुमने वो टेलीग्राम किसको भेजा है। शेरलॉक होम्स ढंग से बोल नहीं पा रहा होता क्योंकि वो जख्मी है, और जब प्रोफेसर मोरियार्टी उसके बिल्कुल नजदीक आते हैं तो वो उनके कान में बोलता है कि अपने भाई को। वहीं बाहर ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर वॉटसन के ऊपर प्रोफेसर मोरियार्टी का आदमी, जो उनका शार्प शूटर है, वो हमला कर रहा होता है। इसका निशाना बहुत ही सटीक होता है, इसीलिए गन फाइट में इससे नहीं जीता जा सकता। वॉटसन जहां पर छुपा होता है वहां पर एक तोप होती है, और वो तोप से उस पर हमला कर देता है, और तोप का गोला एक इमारत पर लगता है, और वो इमारत उस बिल्डिंग के ऊपर गिरती है जहां पर शेरलॉक होम्स और प्रोफेसर मोरियार्टी है। और इससे पहले कि मोरियार्टी के लोग दोबारा वहां पर आते, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन वहां से निकल जाते हैं। यहां से निकलने के बाद ये तीनों शेरलॉक होम्स के भाई के घर स्विट्जरलैंड जाते हैं। डॉक्टर वॉटसन बोलता है कि जो पीस के लिए देशों के बीच में मीटिंग हो रही है उसको तुमने कैंसिल क्यों नहीं किया। दरअसल जो टेलीग्राम इन्होंने वहां से भेजा होता है उसमें यही लिखा हुआ था कि आने वाले वक्त में जो कई देशों के एम्बेसडर्स और प्रेसिडेंट के बीच में एक शांति मीटिंग होने वाली है उसे कैंसिल कर दिया जाए। शेरलॉक होम्स का भाई बोलता है कि मैंने वो टेलीग्राम अपने सुपीरियर्स को दिया था, लेकिन उनका जो एडवाइजर है वो प्रोफेसर मोरियार्टी है। प्रोफेसर मोरियार्टी के बहुत ऊपर तक कॉन्टेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी जानता है। शेरलॉक होम्स का भाई बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों पे यकीन करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इस बात के सबूत होने चाहिए। डॉक्टर वॉटसन बोलता है कि मोरियार्टी बहुत ही शातिर इंसान है, वो कोई भी लूज एंड्स नहीं छोड़ता, वो कोई सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में किसी भी तरह का बॉम्ब ब्लास्ट होगा, क्योंकि अगर सभी देशों के एम्बेसडर्स एक साथ मारे गए तो ये सारे देश एक साथ हो जाएंगे, और मोरियार्टी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। शेरलॉक होम्स बोलता है कि वहां पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, बल्कि वहां पर एक हत्या होगी, और ये हत्या करेगा सिम्जा का भाई रेने। लेकिन अब इन्हें ये बताएं कि इन्हें उस मीटिंग में किसको ढूंढना है, और ये सब के सब उस मीटिंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी देशों के एम्बेसडर्स होते हैं और प्रेसिडेंट्स भी होते हैं, यहाँ पर प्रोफेसर मोरियार्टी भी होता है। शेरलॉक होम्स बोलता है कि रेने अपने टारगेट को मारने के लिए एक खास पल का इंतजार करेगा। वो अपने भाई से पूछता है क्या यहाँ पर कोई फोटो सेशन होने वाला है। उसका भाई बताता है कि हाँ, ठीक 38 मिनट बाद सभी प्रेसिडेंट्स का, सभी एम्बेसडर्स का एक साथ फोटो शूट होगा। और अब इनके पास 38 मिनट है रेने को ढूंढने के लिए, लेकिन रेने को ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शेरलॉक होम्स जानता है कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसका चेहरा बदल दिया गया है, और यहां पर जितने भी एम्बेसडर्स हैं उन्हीं में से एक रेने है। और जब रेने एम्बेसडर के भेष में किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को या किसी दूसरे एम्बेसडर को मारेगा, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस देश के ऊपर आएगी जिस देश
का एम्बेसडर रेने बना हुआ है और ये सारा काम उस डॉक्टर ने किया होता है जिस डॉक्टर का खून इस कहानी की शुरुआत में होता है, जिसे शेरलॉक होम्स पहले बॉम्ब से बचाता है लेकिन बाद में जब वो बाहर आता है तो वो डॉक्टर मरा हुआ होता है। और अब इन्हें मोरियार्टी का पूरा प्लान पता है लेकिन इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि रेने को कैसे ढूंढा जाए। डॉक्टर वॉटसन और सिम्जा जो कि रेने की बहन है वो यहाँ पर रेने को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेरलॉक होम्स प्रोफेसर मोरियार्टी को अपने साथ चेस खेलने के लिए बुलाते हैं और ये दोनों ऊपर आइसोलेशन में चेस खेल रहे होते हैं। वहां पार्टी में फोटो सेशन शुरू हो जाता है और इससे पहले कि रेने अपने काम को अंजाम देता, डॉक्टर वॉटसन वहां पर वेटर के हाथ में जो ग्लास होते हैं उन्हें नीचे गिराते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो यहां पर एक नकली एम्बेसडर बनने का स्वांग कर रहा है वो किसी भी तरह के रिएक्शन में किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो यहां पर एक्टिंग कर रहा है। और जब कोई इंसान ऐसा करता है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, यानी कि वो आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं देता बल्कि वो पूरी तरह से अपनी एक्टिंग में डूबा होता है। और ग्लास गिरने के बाद सभी उस तरफ देखते हैं लेकिन वहां पर एक एम्बेसडर होता है, वो उस तरफ नहीं देखता जहां पर ग्लासेस गिरते हैं। और सिम्जा समझ जाती है कि यही उसका भाई रेने है। वो रेने को बोलते कि तुम मेरे साथ चलो, तुम ऐसा मत करना। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना और वो गन निकाल लेता है लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर किसी को मारता उसे पकड़ लिया जाता है और इस तरह से प्रोफेसर मोरियार्टी की जो पूरी चाल होती है वो नाकामयाब हो जाती है। यहाँ पर प्रोफेसर मोरियार्टी का शार्प शूटर भी होता है, उसके पास स्टिक होती है और स्टिक के अंदर से वो एक जहरीली पिन को शूट करता है और उस पिन से रेने की मृत्यु हो जाती है। वहीं ऊपर ये दिखाया जाता है कि प्रोफेसर मोरियार्टी और शेरलॉक होम्स चेस खेल रहे हैं और इन दोनों को पूरी सिचुएशन का अंदेशा है। प्रोफेसर मोरियार्टी कहते हैं कि तुमने हालांकि मेरी चाल को नाकामयाब कर दिया है लेकिन मेरी बैंडेज बनाने की, गोलियां बेचने की और जो सारा सामान मेरे पास है उसकी जरूरत को तुम कभी भी कम नहीं कर सकते। मेरे पास अपार संपत्ति है। शेरलॉक होम्स बताता है कि वो तुम्हारी अपार संपत्ति अब कुछ हद तक घट चुकी है। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे कई लेक्चर्स अटेंड किए और जब मैंने पहली बार तुम्हारी वो लाल डायरी देखी जिसे तुम हमेशा अपनी जेब में रखते हो, मैंने उसे हासिल करने की कोशिश की लेकिन वो इतना आसान नहीं था। मैंने तुम्हें कबूतरों को दाना डालते हुए भी देखा जहां पर तुम अपनी लाल डायरी पढ़ा करते थे और मुझे शक हुआ कि तुम्हें इतनी बड़ी संपत्ति का हिसाब लेखा जोखा कहीं ना कहीं तो रखना पड़ता होगा। और उस वक्त जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने ये पूछा था कि तुमने वो टेलीग्राम किसको भेजा था, मैंने तुम्हारे कान में बोला था कि वो टेलीग्राम मैंने अपने भाई को भेजा था। उस वक्त मैंने तुम्हारी उस डायरी को अपनी नकली डायरी से बदल दिया पर इस डायरी में सारी इन्फॉर्मेशन कोट्स में थी। लेकिन जब पहली बार शेरलॉक होम्स प्रोफेसर मोरियार्टी के ऑफिस में गए थे तो वहां पर उन्होंने एक किताब देखी थी और इस किताब की मदद से वो सारे कोड्स को डिकोड कर देते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन की वाइफ मैरी को लंदन में भेज चुके होते हैं और वहां पर उनकी सारी संपत्ति को एक इंस्पेक्टर की मदद से हासिल कर चुके होते हैं और उन्होंने इस सारी संपत्ति को वॉर विडोज के लिए और अनाथों के लिए दान कर दिया होता है। ये दोनों यहाँ पर वर्बली चेस भी खेल रहे होते हैं और शेरलॉक होम्स वर्बली चेस में प्रोफेसर मोरियार्टी को हरा देते हैं और इस तरह से इस पूरे खेल में प्रोफेसर मोरियार्टी जो कि बहुत ही शातिर इंसान होते हैं उनकी पूरी तरह से हार हो जाती है। प्रोफेसर मोरियार्टी बोलते हैं कि एक बार मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाए उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होगा डॉक्टर वॉटसन और उसकी पत्नी के लिए मौत ढूंढना, एक दर्दनाक मौत। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं और शेरलॉक होम्स जब भी किसी आदमी से पहले लड़ता है तो वो बहुत दूर तक अपनी पूरी फाइट्स की प्लानिंग कर लेता है, यानी कि वो देख लेता है कि अगर वो ऐसे अटैक करेगा तो मैं उससे ऐसे बचूंगा और बदले में ऐसा प्रहार करूंगा। लेकिन वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद भी इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो प्रोफेसर मोरियार्टी को नहीं हरा सकता क्योंकि वो जख्मी है और साथ ही साथ प्रोफेसर मोरियार्टी अपने जमाने का एक बहुत बड़ा बॉक्सर भी होता है। ये कला प्रोफेसर मोरियार्टी को भी आती है, वो भी बहुत दूर तक फाइट को देख सकता है, यानी कि वो भी अपनी फाइट को प्लान कर सकता है। लेकिन शेरलॉक होम्स को पता है कि वो नहीं जीत सकता, इसीलिए वो प्रोफेसर मोरियार्टी को पकड़कर ऊपर से नीचे कूद जाता है और जिस बिल्डिंग पर ये खड़े होते हैं वो पहाड़ की एक बहुत बड़ी चोटी पर होती है और नीचे बहुत बड़ा झरना होता है और इस तरह से ये दोनों उस झरने में कूदकर उसमें गिरकर मर जाते हैं। शेरलॉक होम्स की मौत से उसका दोस्त वॉटसन बहुत परेशान होता है, वो बहुत दुखी है।
और एक दिन उसके घर पर एक पार्सल आता है और जब उसे खोलता है तो उसमें एक छोटी सी मशीन होती है। दरअसल ये शेरलॉक होम्स के भाई की एक छोटी मशीन होती है जिससे ऑक्सीजन लिया जा सकता है, और ये मशीन शेरलॉक होम्स के पास थी। यानी कि शेरलॉक होम्स जिंदा होता है और वो उसी कमरे में होता है जहां पर उसका दोस्त वॉटसन होता है, और जब वॉटसन बाहर जाता है ये पूछने के लिए कि ये पार्सल कौन देने के लिए आया था, तो वहां पर शेरलॉक होम्स आ जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2011 में रिलीज हुई थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.5। इस फिल्म का बजट है $125 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $546 मिलियन की। ये दोनों ही पार्ट्स पूरी तरह कामयाब थे। इसका पहला पार्ट सन 2009 में रिलीज हुआ था जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.6। इस फिल्म का बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी $524 मिलियन की। फर्स्ट पार्ट का अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं सुना तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।